वैसे तो सरकार स्वच्छता को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन परासिया विधानसभा की बड़कुई नगर परिषद वार्ड क्रमांक 2 के रहवासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यहाँ स्थित पानी के फिल्टर प्लांट के पास पूरे शहर का कचरा फेंका जा रहा है, जिसे स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। परासिया विधानसभा में बड़कुई नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 के रहवासियों ने SDM को शिकायत की और बताया, इस कॉलोनी में मंदिर मोक्ष धाम और पानी का फिल्टर प्लांट है और नगर परिषद प्लांट के पास ही कचरा डाल रही है, जिससे आसपास के लोगों में बीमारी फैलने का डर लगा रहता है, क्योंकि इस मौसम में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी बढ़ती है। वार्ड वासियों का कहना है कि नगर परिषद के अध्यक्ष और CMO को बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। हमें परेशानी इस बात की हो रही है क्योंकि यहाँ पे गंदा पानी और मच्छर और पूरे ग्राम का कचरा ट्रालियों में आकर के यहीं पे गिरता है, और यहाँ हमारी आबादी है, छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं घर में। अभी छिंदवाड़े में इलाज चल रहा है, यहाँ SDM के पास शिकायत करने के बाद भी, नगर पंचायत में शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। दिन में 2-3 बार बड़ी बड़ी ट्रालियों में कचरा गाड़ियों में कचरा ला करके सब यहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे सामने मंदिर भी है और स्कूल भी है, माननीय प्रिंसिपल साहब से लेके सभी लोगों ने शिकायत कर चुके हैं SDM महोदय के पास, उपाध्यक्ष महोदय ने भी शिकायत कर चुके हैं, आके सिर्फ तो सद्भावना दी जा रही है। बाकी यहाँ हम लोगों के यहाँ बहुत परेशानियों से लेके काफ़ी जूझते हुए शायद 3 सालों से बहुत परेशान है। परेशानी ये मेला भी डल रहा है, टैंकरों से गंदा पानी भी, और पानी भी बहुत गंदा आता है। सब शिकायत करने के बाद भी आज तक उचित कार्रवाई नहीं हो रही है सब, और इसके बाद भी मेरा इलाज कम से कम 2-2.5 साल से 2000-3000 रुपये गोली खा के जिंदा रह रहा हूँ। ये सबसे बड़ी ये परेशानी है कि दुर्गंध के कारण जीना तो दुर्लभ हो रहा है मेरा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।